कर रहा हूँ अभी इसकी आपकी, ताकि आप लोगों को आगे जाके काम हो, काम आ जाए, और ये इसमें देख के इम्प्लीमेंट करो चीजें, ठीक है। तो एक जी एक जी करके सबसे बात करते हैं। यहाँ पर अल्ताफ भाई अनम्यूट करिए आप आपको। सुफियान अच्छा सलाम देखो मैं, हाँ मेरे बारे में मालूम है कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ मैं। तो मेरा नाम सलमान है और मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ ताकि हमारा हिजामा हाउस इंडिया का से पूरे इंडिया में फैले और फिर हम ग्लोबली फैले, राइट। हमें अपने काम को पूरी दुनिया में लेके जाना है और बहुत अच्छे लेवल पे करना है अपने को, राइट। अपने प्राइस पे, अपनी वर्थ पे, अपनी वैल्यू में प्रोडक्ट को बेचना है, मतलब अपनी सर्विस देना है लोगों को, राइट। तो बिजनेस हमारा आगे जाना चाहिए, इस पर्पज से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो पहली जो चीज है, आप सबका थैंक यू वेरी मच, मुझे ये मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए। कुछ पॉइंट्स का बता रहा हूँ, उस पर अपने को काम करना है, ठीक है। ये हमारी ये सबकी नंबर है, यस। ठीक है, और इस कंपनी के फाउंडर में हमारे मुश्ताक भाई हैं, जिनकी सारे लोगों का ये मौका मिला है। अब हमें क्या करना है इसको नंबर वन पे लेके जाने के लिए, हमें कुछ रूल्स बनाना पड़ेंगे, राइट। अभी हर जगह मुश्ताक भाई नहीं पहुंच सकते, और कल को जब ये हमारा इंडिया लेवल में जाएगा, शबाना मैडम को बताओ आवाज कैसे चालू करना है, पहले मैसेज करके बताओ। तो हमें कुछ वैल्यूज अपनी सेट करना पड़ेगी। कोई भी देश संविधान से चलता है, राइट, उसी तरह से कोई भी कंपनी संविधान से चलती है, और संविधान मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर जगह पर हर आदमी को फॉलो करना है। तो अपने कुछ रूल्स लिखना है, मुश्ताक जी समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी हाँ, तो पहले तो हमें अपना डिसीजन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो अपनी कंपनी के रूल बनाओ, जैसे मेरी कंपनी का रूल है कि अगर हमारा टाइमिंग सुबह 11 10 बजे का आने का है, तो 10 बजे हमें -10 से 3 मिनट पहले आना है कंपनी में। तो आने का एक टाइम बना हुआ है हमारा, और अगर हम 10 बज के 3 मिनट पे आते हैं तो लेट मार्क लग जाता है हमारी कंपनी में, राइट। और 3 लेट मार्क अगर लग गए तो हमारा एक दिन का आधा दिन का सैलरी कट जाएगा, हाफ डे कटेगा, और 6 लेट मार्क लग गए तो पूरे दिन की पगार कटेगी, राइट। ये इसलिए है क्योंकि हमको आम आदमियों से हटके कुछ जबरदस्त अनरीजनेबल एक अलग तरह की पर्सनैलिटी बनना है। भीड़ के जैसे अगर हम रहेंगे तो बड़ा बिजनेस बड़ा धंधा नहीं कर पाएंगे। भीड़ क्या करते हैं, भीड़, राइट। तो भीड़ से हटके हमें काम करना है, तो हमें इस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो ये मेरी कंपनी में टाइम का रूल था। फिर मेरी कंपनी से निकल के जाता है कॉलिंग करने के लिए अपने काम के लिए, तो मैंने वो बंद करके रखा है। 2 घंटे से ज्यादा कोई बाहर रहेगा तो उनका हाफ डे कटेगा। तो ऐसे कुछ डिसिप्लिन के रूल बनाए, तो वो रूल हमको बनाना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए, क्लियर है उस्ताद जी। तो अपना और ये रूल्स सारे होते हैं ना, कि जो लोग जिनको सैलरी पे रखा है हमने, उनको हमको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, ऑफर लेटर देना है, और उसमें कुछ ये जो रूल्स है एक पेपर पे रूल्स लिखे रहेंगे, और ये रूल्स क्या करना है वो साइन करके देगा, ठीक है। अब सारी चीजें रिटर्न में रहना चाहिए, वर्बल नहीं रहना चाहिए। तो वहां पर एक पॉइंट अपना होता है, जो सैलरी हम जो देंगे कंपनी की, जो सैलरी जाएगी उसका डेट रहेगा नॉर्मली उसका 10 तारीख का डेट रखो, 10 तारीख को सैलरी जाना चाहिए अपने लोगों की, एम्प्लॉयज की। लोग 5 से 10 देते, कुछ लोग 15 के बीच में देते, तो हमारा रूल आ गया कि सैलरी जो रहेगी आपको 10 तारीख तक सैलरी मिलेगी, 10 तारीख तक सैलरी रिलीज होगी, ये डेट है आपकी सैलरी की, ठीक है। अगर आप नौकरी छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको 30 दिन का या 60 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, तो ये आप जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि उठ के चले गए तो ऐसा नहीं चलेगा। और अगर बिना नोटिस पीरियड दिए जाओगे तो तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हारे को, राइट। अभी सपोज यहाँ पर दीपावली कर रही हो और दीपावली उठ के चली गई, तो मेरे पास टाइम है, मैं अगर 10 तारीख को सैलरी दे रहा हूँ या 15 को दे रहा हूँ, 10 से 15 के बीच में सैलरी दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं उसकी सैलरी होल्ड कर सकता हूँ, रुका सकता हूँ, और वो सैलरी लेके निकलेगी तो भी 15 दिन उसको लगेगा, मेरे 15 दिन के पैसे मारे गए, राइट। ये इसलिए है, डिसिप्लिन में इसलिए बनाया है कि आदमी निकलने से पहले एटलीस्ट इंटीमेट कर दे कि मैं जा रहा हूँ, तो हम बोलते भाई जा रहा है तो तेरा बैकअप तैयार कर यहाँ पर, राइट। तो सिस्टम ड्रिवन, लोग आते हैं जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम के थ्रू कंपनी चलेगी, तो वहां पर हमारा बैकअप तैयार हो गया उसका बंदे का। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सैलरी वाला रूल लिख दिया अपना,
सेकंड चीज जो थर्ड चीज जो आती है ये एग्रीमेंट बड़ा करना है, अगर हमको आना है तो फिक्स सैलरी का माइंड सेट है वो हमें आगे लेके नहीं जाएगा। हमारी सैलरी 1 लाख भी नहीं ना तो भी हम आगे नहीं बढ़े, हम रोते रहेंगे सैलरी नहीं है सैलरी नहीं है, राइट। हमारी जो औकात है हमें उसका मिलना चाहिए, हमें हमारा कम मिलना चाहिए, राइट। तो वो कैसे मिलेगा, हमें इंसेंटिव कल्चर पे आना है। क्लियर है सारे लोगों को? इंसेंटिव कल्चर पे जब हम आते हैं तो हम ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, हम बराबर से पार्टनर है मुश्ताक भाई के साथ में, वो परसेंटेज 1% है, 2%, 5%, लेकिन हम पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, हम जितना कर रहे हैं उसका मेहनताना ले रहे हैं। हम लोग 1 लाख का धंधा हुआ तो हम इतना ये परसेंटेज हमें मिलना चाहिए, 5 लाख का हो तो ये मिलना चाहिए, राइट। तो अब हमें ये दिखता है और ये परसेंटेज पे जब हम लोग आ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा 7 बजे मुझे सेंटर बंद करना है, फिर मैं देखूंगा मैं कितना ज्यादा काम कर सकता हूँ, उतना ज्यादा पैसा निकाल सकता हूँ मैं, राइट। मेरी कंपनी में अगर मैं किसी को 5% इंसेंटिव दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उसको मैं बोलता हूँ तेरे को, वो मेरे को बोलती है कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए आपसे सलमान भाई, तो मैं बोलूंगा 10 लाख अगर चाहिए तो तुमको साल भर में 2 करोड़ का बिजनेस करना है, और 2 करोड़ का अगर बिजनेस करेंगे वो तो आराम से उनको 10 लाख मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाता है हमें कितना पैसा निकालेंगे, कितना पैसा हमको धंधा करना है, तो इसलिए हमें परसेंटेज में आना है ताकि हमारी फिगर हमारे हाथ में रहना चाहिए, हमें कितना चाहिए। फिक्स सैलरी में ग्रोथ नहीं होती है और इंसेंटिव भी ग्रोथ होती है, सही है? ठीक। तो इंसेंटिव के लिए सारे लोग तैयार है, टाइप यस। अगर तैयार है तो टाइप यस। पार्टनर बनने के लिए तैयार तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में यस टाइप करो, फिर मैं बताऊंगा 1 करोड़ का धंधा हम निकालेंगे कैसे, 10 से 20 लाख का धंधा निकालेंगे कैसे, वो फॉर्मूला दूंगा मैं आपको। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। वो नीचे मोर में जाए और मोर में जाकर के ऑप्शन है चैट का, नीचे मोर में जाए ऑप्शन में जाके चैट पे क्लिक करें ताकि मुझे पता चले कि लोग मेरे को सुन भी रहे या फोन रख के चले गए साइड में बंद करके, खाली मुश्ताक भाई और मैं बात कर रहे हैं। थैंक यू राहित भाई, थैंक यू। ठीक है, अभी हमको जानना है बिजनेस को कैसे हमको आगे लेके जाना है, यस और नो जानना है। तो बिजनेस को अप ले जाने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है, जो पेशेंट आ रहा है, अभी वो पहली बार विजिट करने आया और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपन 1000 रुपए या 2000 रुपए निकाल लेंगे, तो अपने दिमाग से पहले तो ये निकाल लो पेशेंट की एक वैल्यू सेट करो, ये जो बंदा चल के मेरे पास आया है ना इसकी वैल्यू है 1,20,000 की मेरे नजर में, राइट। आपके हिजामा हाउस के लिए बता रहा हूं मैं, तो मेरे को इसकी जेब से 1,20,000 रुपए निकालना है साल भर के अंदर, समझ में आ रहा है? यस। सेम मैं रेस्टोरेंट बताता था लोगों को, रेस्टोरेंट बिजनेस में भी मैंने काम किया, तो मैं उनको बोलता था तुम्हारे पास जो कस्टमर आ रहा है उसको वैल्यू दो, वेलकम ड्रिंक दो, सारी चीजें। बोलते सर वो 1000 रुपए के लिए ऐसे कैसे देखे, बोले 1000 रुपए की वैल्यू नहीं है, वो 1000 रुपए अगर बिल दे रहा है अपने को और महीने में वो 4 बार भी आता है, 4000 बिल हो गया और 12 बार आया वो, तो कितना बिल हो गया अपना। बोलते सर हाँ बड़ी बात है, तो ये लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की देखो, तुम एक बार का छोटा चिन्ह सोचो, रिपीट और रेफरल बिजनेस पे काम करना है अपने को, कस्टमर बार 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 आना चाहिए, तो कस्टमर की लाइफ वैल्यू है अभी कितनी जो मैंने बताया आपको, कितनी वैल्यू है 1,20,000, कितनी वैल्यू है 1,20,000। हाँ ये मैं दिमाग में फिट कर लो 1,20,000, अब 1,20,000 निकालेंगे कैसे, तो हमारा अभी जो पहला चीज जाएगी वो आएगा हमारा प्रोडक्ट लाइन, हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हमारे पास हिजामा का प्रोडक्ट है, कपिंग जो हम लोग करते हैं, मेडिसिन दवाएं हैं हमारे पास, एक्वापंचर है, एक्वाप्रेशर है, मसाज है, ये सारी चीजें। ओके आ रही है आवाज मेरी? बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ तो हिजामा है हमारे पास, मेडिसिन है, एक्वाप्रेशर, एक्वापंचर है, मसाज है, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली आपको पता है अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट है, हमें पता है हमारे पास क्या क्या माल है बेचने के लिए, सही है। और ये साल भर में हम कुछ ये सब बेच के उसकी 20,000 रुपए निकालना है हमारे को, क्लियर है? यस और नो?
यस 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 सर यस रिस्पॉन्ड कर दो मुझे पहले कि मैं वॉइस ब्रेक हो रही है वेरी गुड जो आपको देखना कस्टमर फॉर्म बढ़ाएगा हमारे हमारे दुकान में हमारे शाम के अंदर का आपको पता चलेगा हमको देखना है कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे तो कस्टमर बढ़ाने के लिए हमको जिम में जाते हैं कुछ लोग जिम से डाइट करना पड़ेगा शायद पूना भी कुछ लोग एलआईजी वगैरह है उनकी बॉडी बिल्डिंग बड़ी है किसी में पड़ी पोस्ट फेसबुक पे प्लस अपने पास यहाँ पर माल है ये बॉडी बिल्डर लोग है ये लोग राइट तो ये लोग जिम में जाके टाइप कर सकते हैं जिम वाले से टाइप करो ये जमाना है ज्वाइंट वेंचर्स का जैसे आप देखिए कोक बना रहा है तो मैकडॉनल्ड ने कोका कोला की फैक्ट्री डाला उसने क्या किया फैक्ट्री डाला कोक के साथ टाइप कर लिया तो बर्गर के साथ कोक बिक रहा है वहां पर और वहां परसेंटेज मिल रहा है राइट तो आप बता सकते हो जो तुम्हारे के लिए जिम करने के आ रहे हैं तो मेडिसिन भी कर सकते हो उनकी दवाएं चालू रहती है हर आदमी आज किसी ना किसी की दवा खा रहा है कोई ब्लड प्रेशर की खा रहा है कोई किडनी के लिए ले रहा है कोई डायबिटीज के लिए ले रहा है राइट कुछ टकले रहते हैं दादा करके सारे लोग तो ये सारी चीजों का इलाज अपने पास है और अपने को करते हैं सरासर तो इसमें हम आपको ये परसेंटेज दे सकते हैं हम आपको और हमारे पास जो लोग आएंगे डेफिनेटली हम आपके जिम के लिए भी रिकमेंड करेंगे उनको चलेगा विन विन सिचुएशन कर सकते हैं हम लोग ऐसा यस और नो यस यस जिम के जो होते हैं जिम वाले क्या करते हैं पर्सनल ट्रेनर को रखा है उन्होंने और वो महीने का 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक चार्ज करते हैं पर्सनल ट्रेनिंग का जिम का फीस कितना है उनका खाली 20,000 रुपए सॉरी 12,000 रुपए साल भर का लेते हैं 12 से 18,000 रुपए साल का लेते हैं वो लोग कुछ लोग 6,000 भी लेते हैं तो मेन जो चीज कमाते हैं वो बैकएंड दूसरे प्रोडक्ट्स पे कमाते हैं अब 20,000 लिए तो ट्रेनर को दे दिया उन्होंने 5,000 दे दिया 10,000 रुपए दे दिया 20,000 दे दिया तो वहां से उनको पैसा मिलता है प्लस बहुत सारा प्रोटीन सेल करते हैं वो लोग वहां से उनको कमीशन मिलता है तो ये मत सोचो जिम वाला आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगा जिम वाले को पैसा चाहिए मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए तो जिम वाले के साथ टाई अप करो और जो लोग जिम में जा रहे हैं हर पर्सनल ट्रेनर से दोस्ती करो सलाम अलैकुम नमस्ते जो भी जो उनका धर्म है जो भी जिस तरह के लोग हैं उनके साथ दोस्ती करो दोस्ती हो जाके नंबर शेयर कर लो और फिर उनसे नंबर शेयर करके उनको बोलो जो भी तुम्हारे पास पर्सनल कोचिंग के लोग हैं वो मेरे को बताओ उनकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ और इसमें मैं तुमको ये परसेंटेज दूंगा सही है क्लियर है जी जी यस सर अभी गोल्ड जिम में मैंने बात कर लिया मैंने बाद में दूसरा कौन सा जिम है अल्टीमेट जिम में मैंने बात कर लिया राइट अब मुझे पता कैसे चलेगा किसका बंदा मेरे पास आया कैसे पता चलेगा तो मैं क्या करता हूँ एक इमेज बनाऊंगा अपने हिजामा हाउस की और उसमें मैं एक कोड लिखूंगा डिस्काउंट कोड लिखूंगा एच एच मतलब हिजामा हाउस और एस के मतलब सलमान खान का SK डाल दिया आपने ये सलमान खान को दे रहे हो ठीक है अरुण मिश्रा HHMAM कर दिया अरुण मिश्रा दे दिया तो ये कोड दे दिया HHSK001 मतलब तो थाना के सलमान खान को दिया आपको ये इमेज में व्हाट्सएप कर दो ये इमेज दिखाना पिजामा उसमें और ये थाना वहां पर आपको जो भी आप चल रहे मैं चाहता हूँ और मसल्स को भी डेवलप करेंगे लेकिन आप सबको बीमारी से इंकवर होना चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ वो ये कौन भेजेगा ट्रेनर भेजेगा टीम वाला दे रहा है उसको राइट तो अपने पास ये कोड दिखाएगा बोले मेरे पास ये कोड है डिस्काउंट मिलेगा हाँ डिस्काउंट मिलेगा 10% माइनस कर दिया और अपने पास दे लिखिए HS मतलब हिजामा हाउस SK कौन है सलमान खान है बाद में सलीम खान भी हो सकता है ये लेकिन 01T1 लिखा है जो T1 होता है T1 पे मैंने लिखा है सलमान खान सलीम खान है तो मेरी डायरी में डिटेल लिखी हुई है तो इसका जो 10% जो डिस्काउंट तो इसको मैंने माइनस कर दिया और 10% जो मैं दे रहा हूँ उस ट्रेनर को दे रहा हूँ मैं समझ में आता है जी जी तो क्या बोल रहे मुस्तक ये सारी चीजों का मैकेनिज्म बनाना है हाँ ये सारी चीजों का बनाना है ताकि जिनमें सिचुएशन उसको भी डिस्काउंट मिल रहा है इसको मिले ये भी चीजें बता रहा हूँ मैं ये मैं करवा चुका हूँ लोन वाले के साथ एक लोन वाला था उसने ये किया था और वहाँ से भेजते थे अभी सपोज लोन का मैसेज आ गया तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ कि गिव 10% डिस्काउंट मिल लोन जो भी चाहिए बेस्ट सीट्स में मेडिसिन फ्री लाइफ और 10% डिस्काउंट ऑन दिस ओपन करके वायरल कर रहा हूँ
लेकिन उसको बैठे बैठे घर पे धंधा आ रहा है यहाँ पर, समझा आपको? जी जी हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, इससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। ये सोच लो, बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है? पॉसिबल है? मेरे को एक जिम वाले ने कुछ 6,000 का प्रोटीन बेचा था, जो मैंने बाद में लिया भी नहीं, पैसे दे दिया था उसको, मैं जा नहीं पाया, बाद में दिल्ली चला गया था। मैं बता ही रहा हूँ, ये लोग करते हैं, माल बेचते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट थिंग हम कर सकते हैं, मेंबरशिप कार्ड बना सकते हैं। अभी हमारे क्लाइंट में जो हमारे पास जो बंदा आ रहा है डिप्लोमा कराने के लिए, हमको अपसेल करना। अपसेल में क्या क्या, अभी आपने मेरे से 2,000 का सर्विस लिया, 2,000 में बोलता हूँ ये चीज साथ में ले लो, इस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सर्विस लगाने कोई मशीन है इनके पास, डॉक्टर साहब के पास, मुश्ताक सर के पास, बराबर है? ऐसे बहुत सारा है ना सर, उस दिन कुछ दिखा रहे थे, नाक पे लगाइए, लगा के लिक्विड लगाओ, साइनस के लिए हेल्प मिलेगी आपकी, आप बता रहे थे, याद है आपको? तो आप क्या कर सकते हो, 500 रुपए का या 499 का या 999 का आपने मेंबरशिप कार्ड बना लिया, और उसको बोलते हिजामत ले लिया सर आपने। अब आप एक काम करो, मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप में क्या होगा, अभी जो आपका 1,000 रुपए भरे ना, 2,000 भरे ना, यही चीज आप अगली बार आएंगे आपको 10% डिस्काउंट देगा। मेंबरशिप कार्ड सेल कर सकते हैं, आप जो भी ट्रीटमेंट लोगे उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और प्लस मेडिसिन में आपको लेके बहुत सारे हो सकता है ऐसा। जी जी ट्राई कर सकते हैं सर, ट्राई कर सकते हैं। आज सब कार्ड बेच रहा है, माल कपड़ा ले जा रहा है, तो 1,000 रुपए का आपको 500 रुपए में मेंबरशिप कार्ड देता है, 1,000 रुपए का। अब इससे क्या हो रहा है, मेंबर बनने के लिए कस्टमर से कस्टमर बना लिया है, ताकि हम इसके साथ लंबा बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं साथ। अभी 10 लोगों से 10 में 10 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, किस तुम्हारे दो ले सकते हैं, नहीं ले सकते 10 में, दस में 2 ले सकते हैं, राइट भाई? यस और नो? यस यस। हमारे बंद हो रहा है, 10 में 1 भी अगर चलेगा हमारे को, ठीक है। दूसरी चीज आ रही है हमारी, जो रवि में बैठ के बात कर रहा था, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीजें बता रहे थे, तो लॉकडाउन ब्रेकडाउन में अपने को पार्टिसिपेट नहीं करना है, करना है किसको पार्टिसिपेट करना है लॉकडाउन में? हाँ, लॉकडाउन के नाम पे धंधा नहीं होगा, रमजान आ रहे तो धंधा नहीं होगा, पहले दिमाग से निकाल रही है, धंधे का रमजान से लेना देना नहीं है, अपने है या नहीं है? जी हमें अपने काम पे ध्यान देना है, रमजान देंगे, तो वही होने वाला है, जो चलाओ दिमाग में भाग हुई थी, तो रमजान का धंधे से लेना देना नहीं है, और लॉकडाउन का धंधे से लेना देना नहीं है, रिसेशन में मेरे को पार्टिसिपेट करना नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करना है। लोग रमजान में भी लोग बीमार पड़ेंगे, रमजान में भी लोग घंटे अपने, और लॉकडाउन में भी लोग बीमार पड़ेंगे, राइट, और अपने को उनकी बीमारी का, राइट, ये जो तकलीफ है, इसकी तकलीफ वाले लोग, ऐसा नहीं तकलीफ खत्म होने वाली, दो एक दो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, इसके लिए मैंने भी आपका वॉइस बंद किया, तो मैं एक वाईफाई कनेक्ट करता हूँ आपका, मुझे बताओ वाईफाई बात करते हैं। तुम्हारा चालू है, तुम्हारा फोन दो तुम्हें, क्लिनिक में वाईफाई है ना? इसमें आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, अभी आ रही है, तुम्हारा वॉइस चालू है ना?
अभी आवाज क्लियर है मेरी मुश्ताक सर? अभी अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। मुझे स्पीकर ऑन नहीं है, देखो आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर, अभी आ रही है। अभी क्लियर है ना? इसी से बात करूं चलेगा? हाँ सर अभी क्लियर है। तो बात रहने दो, मैं इससे बात करता हूँ, बंद मत करो, चलने दो, इसको बाहर रख दो, ठीक है? हाँ, तो पहले तो अपने को उस पे काम करना है जो मैंने बताया, लॉकडाउन पे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लॉकडाउन से अपने को काम रुकेगा नहीं अपना, क्लियर है ये? मुझे हैंड फ्री लगा के दो इसमें। हम लोग जिस काम में है, इस काम के अंदर लॉकडाउन और जो हेल्थ इश्यूज अभी खड़ा है तो उसको लेकर के तो हमारा हमारा टाइम है अभी, बराबर है, मतलब तो पहले उसको फायदा उठाना एक्चुअली, बराबर है, ठीक है? अभी तो ये उसका क्लियर होगा, लॉकडाउन से मतलब नहीं है, ठीक है? अभी जो कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को भी, यहाँ पे मैं आपके बात कर रहा हूँ, डिस्कशन पॉइंट निकले अपने, दीपाली फोन को बाहर रख देना मेरा, ये शायद एक जगह ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ देर रख दो। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि लॉकडाउन में पेशेंट नहीं आएंगे, बात चल रही थी यहाँ पे भी, ठीक है? कल को उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया सब कुछ, बताओ तो क्या बेचेंगे हम लोग? और मेडिसिन के लिए आपके कब के लिए तो लोग चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए अपने, तो क्या करोगे आप, क्या सोल्यूशन है हमारे पास? क्या सर? अभी उद्धव ठाकरे ने कल को उठ के बोल दिया कि कोई भी कहीं पे ट्रेवल नहीं करेगा, फुल लॉकडाउन लगा दिया, बंद कर दिया, लेकिन हमने पहले ही बोला कि हमको इस मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमको लॉकडाउन पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमको धंधा करना है, ठीक है? लेकिन उद्धव ठाकरे ने बोल दिया कोई निकलेगा नहीं घरों बैठो, तो धंधा कैसे करेंगे हम लोग, क्या सोल्यूशन है हमारे पास उसका? गुड गुड क्वेश्चन, कैसे बेचोगे माल? तब हमको क्या करना है, अपना मार्केटिंग शुरू कर दो, और मार्केटिंग के थ्रू जो लीड आएगी अपने पास, पेशेंट तो उसमें मिलेंगे अपने को, अपने को ऑनलाइन कंसल्टिंग करना है, अपनी दुकान में हर आइटम बिक रहा है, अपनी दुकान में हिजामा भी है, कप नहीं लगा सकते तुम, ट्रेवल नहीं कर रहे लोग, लेकिन अपने पास दवाएं हैं, मेडिसिन है, बराबर है, अपने पास कंसल्टिंग है, जैसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे नहीं आए, फ्री में बात कर रहा हूँ, कंसल्टिंग हम कर सकते हैं बैठ के। मैं अभी आपके सामने आ गया, मुश्ताक भाई बोलते सलमान भाई आंख बड़ी करके दिखाओ, मैं आंख बड़ी करके दिखा रहा हूँ, हाँ नीचे करो थोड़ा, ऐसा करो, ऊपर करो, यहाँ बैठ के आप मेरे को पुड़िया बांध सकते हो, मुश्ताक जी बांध सकते हो या नहीं बांध सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते सर, थोड़ा पास में आइए, मुगली आ, 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 आ ये सब करो, पब्लिक को क्या चाहिए यार, ये पब्लिक को तो तुम कहीं से घुमा सकते हो, यहाँ खेल रहे हो, यहाँ पे तुम, यहाँ भी तुम दस दस रास्ते ढूंढ लोगे चेक करने के लिए कि मुंह देख के तुमने बीमारी पड़ जाए उसकी। ये किसका कॉल आ रहा है, कट करो, ठीक है? तो कंसल्टिंग हम कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, बिल्कुल कर सकते हैं, कंसल्टिंग के नाम पे 500 रुपए 1000 रुपए निकाल सकते हैं, जी हाँ जी हाँ, दवाइयां बेच सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन दवाइयां सेल कर सकते हैं सर, मैं देख रहा हूँ अभी, आप क्या करो, अपने को लग रहा है लॉकडाउन 1 महीने चलेगा 2 महीने चलेगा, राइट? तो मेरे को पता था जब लॉकडाउन लगा था लास्ट टाइम, तो मेरे को पता था दिसंबर तक तो दुनिया नहीं खुलेगी, खुल गई वो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये दिमाग में लेके चल रहा था 14 अप्रैल को मेरे को क्लियर होगा दिसंबर तक मेरे को ऑनलाइन प्रोग्राम बेचना है, तो मैंने पहला 1 महीने का प्रोग्राम बेचा, उसके बाद मैंने क्या किया, उन्हीं लोगों को बोला कि अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम बेच आपको दे रहा हूँ, ये एडवांस प्रोग्राम है जो दिसंबर तक चलेगा, और 19 दिसंबर वाले लोगों को फिर मैं ऑफलाइन में भेज दिया, मार्केट खुल गया मेरा तो, समझा? तो अभी अपने क्या करना है, 90 दिन का या 60 दिन का अपने को प्लान बनाना है। सर मैं एक काम करता हूँ, अपना कपिंग तो करना ही पड़ेगा सारी चीजें, लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 90 डेज आपको इस पर काम करना है, और अभी कोविड चल रहा है, इम्यूनिटी अपने को बूस्ट करना पड़ेगी, राइट? ये वैक्सीन वैक्सीन के चक्कर में जाओगे, हॉस्पिटल तो जाना नहीं है, हॉस्पिटल का शक्ल देखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कोविड का बाप भी नहीं आएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, प्लस मैं आपको डाइट्स भी बताऊंगा, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, प्लस मैं आपके लाइफस्टाइल पे भी काम करूंगा, तो 90 दिन का प्रोग्राम दे रहा हूं मैं, और एवरी वीक मैं आपका डाइट प्लान चेंज करूंगा, मैं वो डाइट प्लान मुश्ताक भाई सबको सर्कुलेट कर देंगे क्या क्या करना है, सही है मुश्ताक जी? ओके, तो 90 डेज अपने को काम करना है, ये क्या 30 दिन लग रहा है, 30 दिन अपने काम कर रहा है, 30 दिन का आपको क्या करना है सलमान सर? नाइन जी
असल में सलमान सर, हमारा सारा जो स्टाफ है ये सबको जो है माशाल्लाह, चाहे उधर सुफियान हो, जाहिद हो, ठीक है ना, यहाँ पर अल्ताफ है, उसामा है, इधर अबू बकर है, हम लोग सबको थोड़ा सा अपनी वैल्यू समझना है कि हम लोग प्रैक्टिकली कितना बड़ा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम पेशेंट को एहसास दिलाए बगैर उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, उसकी लाइफ इजी कर रहे हैं, उसकी सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, उसका एंगर खत्म हो रहा है, वो ब्यूटीफाई हो रहा है, उसके हेल्थ इश्यू अच्छे हो रहे हैं, वो पॉजिटिव मोड में अपनी जो है जिंदगी के सारे रोल अदा कर रहा है। लेकिन हम लोग एक जगह गलती कर रहे हैं कि हम पेशेंट के साथ में उसकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उससे दोस्ती नहीं कर रहे, उससे रिलेशन नहीं बना रहे। और जब हम उसको अपने करीब नहीं करेंगे या हम उसके करीब नहीं होंगे तो हम उस पेशेंट को ऐसे, जो कोरोना का टाइम है एक्चुअली हमारा टाइम है, इसमें हम लोग उसको कैच नहीं कर पा रहे, हम लोग उससे रिलेशन, हाय हेलो, वीडियो भेजना, ये सब नहीं कर रहे, हम उसको टच में नहीं रख रहे। लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए, छुड़ गए, हमारा उससे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। तो ये नहीं होने की वजह से अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो हमें सबसे पहले जो अपने पेशेंट के साथ में रेपुटेशन को और इम्प्रूव करना है, रेपो बिल्ड करना है, उसके करीब होना है, उसका नाम जानना है, उसका बैकग्राउंड जानना है, उसको टच में रहना है। राइट अभी मैंने जो सबसे पहले शुरू में बात बोली थी ना आपको, 120,000 की वैल्यू समझो, मेरी नजर में एक आदमी जो मेरे को मिल रहा है बिजनेसमैन, मेरी नजर में उसकी वैल्यू 14 लाख की है, मेरे को 14 लाख निकालना है उसके पास से एक बिजनेस ओनर से, ठीक है ना। लेकिन क्या वो 14 लाख एक बार में आएगा? नहीं आएगा। तो 14 लाख के लिए मेरे को लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमने अपना 120,000 का रिलेशन पैकेज लेके चल रहे हैं, साल भर में हमको निकालना है, तो पहली चीज तो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा उसको। आज उसने 2,000 दिया है, कल वो 18,000 देगा, कल को फिर 25,000 देगा, फिर 30,000 देगा, ऐसे करते करते पैसा आएगा। लेकिन उसके लिए हमको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। क्लाइंट का नाम लिखो पेशेंट का, जोगेश्वरी में पेशेंट आ रहा है, पूना में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया उस्मान भाई, लिख दिया उस्मान भाई, दिए तारीख को उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट ले लिया हिजामा और अपने को 3,000 पे कर दिया, 3,000 पे कर दिया। अभी अपना कितना निकालना है इनको, 1,17,000 निकालना है अपने को। तो उस्मान भाई के साथ अपने को रेपो बिल्ड करना पड़ेगी, वैल्यू देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ बीच बीच में वीडियोस भेजते रहेंगे हम उनको, इससे क्या होगा उस्मान भाई गर्म होते रहेंगे। लीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, लीड में खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, कल वो लहराएगी और हमको उसका फल मिलेगा, उसका समझ में आ रहा है। तो अपने प्रोस्पेक्ट्स पे काम करना जरूरी है, तभी जाके हमारा पैसा निकलेगा। तो नर्चर रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो यही पेशेंट्स को हम लोग SMS और बहुत सारी चीज दे सकते हैं कि सर अभी हमारा नया ऑफर आया, देखिए हमने हिजामा तो ले लिया इसने, और हिजामा में बाल बोल के लिया, बाल तो निकले नहीं इसको, लेकिन रिलेशन हमने मेंटेन करके रखा है। मसाज वाले मैसेज भेजो, कुछ और मैसेज भेजो, कहाँ ला सकते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, हर बार नई नई सर्विस भेजो उसको, समझ में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ नए नए आइटम भेजो, जो बाल का हो गया ट्रीटमेंट, फिर कुछ और भेज दो, फिटनेस का दे दिया आपने, तो नए नए प्रोडक्ट। हमारे हमारे पास सर, हमारे पास क्लिनिक में फायर कपिंग है, वुड कपिंग है, मैग्नेटिक कपिंग रखे हुए है, इसको हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, वो पड़े हुए हमारे यहाँ वेस्ट जा रहे हैं। और हालांकि उसके अगर हम पेशेंट की वीडियो बना करके उसको वीडियो बना करके देंगे, वो खुद ही हीरो बन करके हमारा प्रमोशन करना शुरू कर देगा। हमारे पास वाइब्रेशन की अच्छी मशीन है, अभी फेशियल की नई मशीन आई है, लेकिन हम लोग जो है ना, हम अपने आप को वैल्यू करके पेश नहीं कर पा रहे, लोग सिर्फ मसाज का पूरा बिजनेस कर रहे हैं। बराबर है। और हमारा मसाज उससे ज्यादा एवरी लाइफ पर डीप टिश्यू मसाज करता है, लेकिन हम लोग कर ही नहीं रहे। हमको अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा करके पेश करने को नहीं आ रहा। बराबर है। अपनी डाइट में दे रहे हैं, हम डाइट में भी कमा रहे हैं, डाइट में कमा रहे हैं। आवाज वापस ब्रेक हो रही है। पैकेज बनाओ, जो मैंने कई बार बात कर चुका मैं आप लोग, लग रहा है कि हिजामा हम लोग निकाल रहे हैं गली में जाएंगे। हेलो, आ रही है आवाज?
हेलो हेलो ये इसको बंद करो। हाँ अभी ठीक है। आवाज एको हो रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी क्लियर है आवाज। हेलो आवाज ठीक है अभी मेरी? ठीक है सर, आ रही है अभी आवाज। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके, तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि जो गली मोहल्ले में जो हिजामा वाले बैठे हैं ना, जो अभी मुश्ताक भाई बता रहे संडे गए थे 15 कप का, उसने बताया 9:15 से 9 पे आ गया वो, और बोलता 9 लगा दूंगा, वो 8 आना 4 आना के साथ कंपेयर मत करो। और तुमको लग रहा है कि हम मार्केट में सबसे अच्छे हैं, तो ये हमारा लेवल नहीं है। हमको हमारा लेवल यहाँ से और ऊपर जाना है हमको, राइट। तो अभी इस गफलत में मत रहो कि हम बहुत बड़े प्रीमियम है, बहुत बढ़िया चार्ज कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियां थी जो मार्केट में राज करती थी, जैसे ब्लैकबेरी वगैरह, रातों रात मार्केट से आउट हो गए, राइट। हमें क्या करना है, बेस्ट मार्केट की नीड को समझना है, अपने आप को इनोवेट करना है, और चार्जेस हमको अपना हाई प्रीमियम पे ही खेलना है। ब्लैकबेरी को जिसने आउट किया उसका प्राइस कम नहीं था, उसका प्राइस उससे भी ज्यादा हाई था। आज 1.5 लाख का लोग फोन खरीद रहे हैं आईफोन के नाम पे, बराबर है। तो चार्ज अभी भी हमारा जो करना है बहुत कम ले रहे हैं हम लोग, बीमारी के नाम पे लोग 1.5 लाख तो ऐसे ही चला जाता है आदमी का, राइट। तो पहले अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझो। अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है ना, आप लोगों के दिमाग में अगर आपको लग रहा है कि हमारा इसका इतना नहीं बनते, निकाल दो आप लोगों की जिंदगी दे रहे हो, आप एक नई जिंदगी दे। ये आवाज क्यों ब्रेक हो रही है, इसका वाईफाई का कनेक्ट किया हुआ है? एक मिनट, मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ अभी क्लियर है? यस, तो बाहर जाकर चेक करो आवाज कहां से आ रही है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझो। और एक और चीज डिस्कस करके यहाँ पे समझ में आया, मुश्ताक सर आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, अपने वॉक इन कस्टमर हमें पता चलना चाहिए। वॉक इन कस्टमर जो है हमारे पास, वो नंबर हमें पता चलना चाहिए। हेलो ठीक है मेरी राइट भाई आवाज ठीक है? ओके फाइन। तो मैं ये बोल रहा था हमें हमारे वॉकिंस पता चलना चाहिए कि हमारे पास कितने हैं। अभी मैं इनको बता रहा था, माज हुज़ैफ़ा को बता रहा था कि जब हम बिग बाजार में जाते हैं ना, तो बिग बाजार में बाहर की तरफ तुम्हें जहां से तुम एंट्री मारते हो अभी नोटिस करना, वहां पर दो बंदे खड़े रहते हैं, क्या दो बंदे खड़े रहते हैं और उनके हाथ में डिजिटल तस्वीर रहती है, उसमें नंबर काउंट करते हैं कितने लोग अंदर घुस रहे हैं, राइट। और जब तुम दूसरी साइड से निकलते हो वहां पर एक बंदा खड़ा रहेगा और वो तुम्हारे बिल पर ठप्पा मारता है, उसका काम होता है कितने लोग बिल निकल गए, वो नंबर क्लिक करता है बिल वालों का, इससे उनको लॉ ऑफ एवरेज पता चलता है। और ये मेरे हर क्लाइंट के जरिए बना हुआ है। अभी मैं चेक कर रहा था तो आपके यहाँ पे पता ही नहीं कितने कस्टमर आ रहे हैं, जो कंसल्टिंग वाले वो पता चल रहे हैं। तो जब कस्टमर पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर बैठते हैं रिसेप्शन पे, तो वहां पर जो लड़का है अपना वो डायरी में उनकी डिटेल ले सकता है, नाम नंबर ईमेल एड्रेस सिंपल ले दो, फोन नंबर और पर्पस ये भरवा लिया तो हमको पता चलेगा आज मंडे के दिन कितने पेशेंट आए, ट्यूजडे के दिन कितने आए और ये हफ्ते में कितने आए। मैं बिग बाजार का लॉकडाउन से पहले का एवरेज बता रहा हूँ, 2 साल पहले मैंने सर्वे करके चेक किया था, मैंने पूरा बाकायदा उन लोगों से बात करके देखा था, मैंने थाना विवियाना मॉल बिग बॉस का 1500 लोग डेली बिग बॉस में विजिट करते थे, बिग बाजार में। और संडे का जो एवरेज था ये 3,500 से 3,000 के बीच में था, संडे के दिन जो फ्लो होता है 4K था। ओके हाँ, तो ये नंबर मैंने चेक किया था कितना नंबर आ रहा है, तो ये एवरेज हम लोगों ने चेक किया था, बताइए संडे के दिन 4,000 आते थे वहां पर। ये थाना विवियाना का बता रहा हूँ, इतना क्राउड वहां पर विजिट कर रहा था,
अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि अपने पास पेशेंट कितने आए, जो कंसल्टिंग करके गए वो तो पता चल रहा है, तो अपने पास लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए, राइट। अब लॉ ऑफ एवरेज से पता क्या चलेगा, अपने को ये पता चलेगा अगर मेरे पास पूरे हफ्ते में 100 कस्टमर आ रहे हैं और 50,000 का हमने माल बेचा किसी को, एक आदमी को, मैं ये फर्नीचर वालों की हमने कैलकुलेट किया था, 50,000 का अगर हमने बेचा और इतने कस्टमर आ रहे हैं तो 12 लाख का अगर बिजनेस हो रहा है हमारा, 12.5 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो उसी 12,000 में हमने 50,000 में हमको क्या करना है, सिर्फ 2,000 अप करना है, 2,000 नए कस्टमर को हमने वॉक इन नहीं बढ़ाया। तो मैंने उनको बताया जो तुम्हारा बिलिंग काउंटर जहां पर है ना, डिस्प्ले को चेंज करो और यहां पर तुम आइटम्स रखो। उनको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, मतलब जब तुम बीइंग ह्यूमन में जाते हो बिलिंग काउंटर के पास, वो लोग मोजे वगैरह सॉक्स वगैरह लगा देते हैं, तो लोग क्या करते हैं जब बिल भरने आते हैं 2-4 आइटम देख के वो भी डाल देते हैं बास्केट में, तो उससे हमारा जो धंधा है बिल अपने आप बढ़ जाता है। तो मैंने बोला सिर्फ 2,000 भी अगर हमने ऐड कर दिया तो 12 लाख का धंधा सीधा 10.5 लाख, 4% भी अगर हमने सेल्स में ऐड कर दिया, अपसेल किया, तो हमारा 13.5 लाख का धंधा बढ़ जाता है। तो बिना वॉक इन बढ़ाए हमने धंधा बढ़ा दिया वहां पर, समझ में आ रहा है। कस्टमर ने 2,000 का जमा किया, मुश्ताक सर का जो नाक में सूंघने वाला जो लिक्विड है ना वो चिप दे दिया हमने, उसके साथ में अपसेल कर दिया कुछ भी एक आइटम हमने, तो वहां पर 200-400 रुपए का भी आइटम भेज दिया हमने, तो ऑटोमेटिक हमारा बिल अप हो जाता है हमारा, जो हम प्लान कर रहे हैं 1,20,000 हमारे कलेक्शन कैसे आएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, पहले हमको लॉ ऑफ एवरेज पता चलना जरूरी है। मुश्ताक सर सही है, क्लियर है? जी जी बिल्कुल। तो अपना वॉक इन अपने को पता होना चाहिए, बाहर जो लड़का है ना उसका काम ही है कस्टमर पे ध्यान देना ना, कस्टमर के साथ जितना ज्यादा हम कनेक्ट रहेंगे वो सारी चीजें करवाना है। तो बाहर अगर आप डिटेल लेते हो, अंदर वापस उससे मत लिखवाओ, आप खुद लिखो उसकी डिटेल, आपका नाम क्या, ये है वो है, कहानी पूरी कुंडली, वो बोलेगा बार बार क्यों लिख रहे हो, झगड़ा हो जाए, तो अंदर आप लिखोगे पूछते पूछते। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए, 10 लोग आ रहे हैं तो 10 में मेरा कन्वर्जन क्या है, 4 में मेरा कन्वर्जन क्या है, सेल कम क्यों, क्योंकि मेरा वॉक इन कम है। अब वॉक इन बढ़ाने के लिए जो मुझे जो चीज समझ में आ रही है, जो मेरे को लगा इन लोगों से बात करके, मार्केटिंग इंडिपेंडेंट होना चाहिए मुश्ताक सर। ओके हेलो, हैंग हो गया अभी, ऐड करता है यहाँ का, सपोज उसने पूरे मुंबई का ऐड चला दिया, 5,000 रुपए दिए ऐड रन करने के लिए, अभी जोगेश्वरी में जो आ रहे हैं या बाकी जगह जो लोग आ रहे हैं, लाया तो उनको मैं ही हूँ ना, समझ में आ रहा है मुश्ताक जी, ऐड तो ऐड पे हुज़ैफ़ा ने काम किया है। क्या कह रहे हैं, कुछ पेशेंट उसके जाएंगे अपने पूना भी जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो फिर हम जोशवरी की अकाउंटेबिलिटी उज़ैफ़ा से नहीं ले सकते, जो उज़ैफ़ा बोलेगा मैंने रन किया मेरे कस्टमर तो डिवाइड हो गए पेशेंट, अब भले नहीं भी हुए तो भी बोलने का उसको राइट है। तो हर सेंटर को अपना अपना मार्केटिंग करने दो। ओके सर, है ना। तो अभी अपने को वैसे भी धंधा चाहिए तो अपने को 5,000 रुपए तो ऐड पे हमारे हर जगह पे खर्च कर ही सकते हैं वो लोग अपने बिजनेस में से, 5,000 जोगेश्वरी भी क्लियर करेंगे, 5,000 कुंडला हो गया, 5,000 बुमराह, जो भी चीजें जहां जहाँ की सेंटर है। तो मार्केटिंग इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ये पॉइंट क्लियर है, मुश्ताक सर भी एग्री है इसके लिए, एग्री है ना मुश्ताक सर? ओके आई एम ओके विद इट। डायरी बनाओ, मुश्ताक सर ने बीच में एक वीडियो बना के शायद मेरे को भेजा था, पता नहीं आप लोगों से बात हुई कि नहीं, वो उनका आइडिया अच्छा था। सबकी अपनी अपनी डायरी होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी डायरी है सर, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, वेरी गुड। तो सबकी अपनी अपनी डायरी होना चाहिए और वो डायरी डेट वाइज होना चाहिए। तो 2021 की डायरी खरीद लो अभी, इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी आप क्या करोगे उसमें गरीबों वाली हरकत करोगे, तो एक डायरी खरीदो, दो छोटी नोटबुक खरीद ली आपने, उसमें खाली पेज भरोगे, वो खाली पेज भरने के चक्कर मत जाओ। अमीर बनना है तो अमीर वाली सोच करो, जो काम आज का है वो आज की तारीख में लिखो, फिर कल का है कल की तारीख में लिखो, डेट वाइज लिखो आप, सही है। इससे होगा क्या, हम उसमें तारीख लिखे, आज डेट क्या है, 12 तारीख है,
तो 12 तारीख को उसने लिख दिया कि 12 को मेरे ये काम है, 13 को मेरे को ये करना है। आज उस दफा ने किसी पेशेंट को बाद डायग्नोस करके गया और वो बोलता है कि सर मैं अभी अगले हफ्ते आऊंगा, तो अगले हफ्ते लिख देंगे हम 18 तारीख को उसको पेशेंट आने वाला है। 18 को लिख दिया हमने, 17 को लिखेंगे, 17 को उसको SMS जाना चाहिए। ओके, हाँ भाई को 17 तारीख को मेरे को मैसेज करना है। जब मैं 17 को खोलूंगा तो 17 को मेरे को पहले से पता रहेगा कि मुझे इनको मैसेज करना है, फॉलो अप करना है 18 तारीख के लिए। 18 को वापस देखूंगा, 18 को ये आने वाला है, यहाँ से धंधा आएगा। तो ये अपन डेट वाइज करेंगे ना। अभी अपन करते क्या, वो डायरी ले ली अपन ने, वो डायरी में पेज भर रहे, दो पेज बचाने के चक्कर में तुम गरीबों वाली हरकत करो तो गरीबों वाले धंधा भी गरीबों वाला होगा अपना। तो पेज बचाने में मत जाओ, वो चिंदीगिरी मत करो, सही है। तो टू डू लिस्ट, ये मैं ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें मैं फॉलो करता हूँ और मेरे सारे लोग फॉलो करते हैं, डेट वाइज फॉलो करते हैं, तो उनको पता रहता है। अब जब 17 तारीख को, जब 16 तारीख को पहुंची तो ऑलरेडी अभी आज 15 तारीख है, मैं कल के काम लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने से पहले मेरे पास 10 काम ऑलरेडी है मेरे कल के लिए जो जमा हो गए। इनसे फीस लेना है, इनको बुलाना है, इनको मार्केटिंग के लिए बोला, इनको वो बोलना है, और फिर कुछ काम और लिखूंगा मैं उसमें ऐड करूंगा, राइट। तो यहां पर इस डायरी से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टू डू लिस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। तो कल के जो काम है मुझे लिखना है, और फिर उन कामों को लिखो। आज मेरे 20 काम थे, 20 में से मैंने कितने कर दिए, तो 20 में से मेरे 15 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर धीरे धीरे मेरी सारे काम कंप्लीट होना पड़ेगा, जो हो गया उसको कट करो, कट करो। तो अपने कामों को रिव्यू करना शुरू करो, फिर तुमको पता चलेगा कि तुम इतने फांदेबाजी कर रहे हो, झूठ लंबी लंबी दे रहे हो, तुम खुद ही काम नहीं कर पा रहे हो, फिर तुम क्या बोलोगे, अब्बा ने ये बोल दिया कि अल्ताफ बोलेगा मुश्ताक भाई ने ये बोल दिया, मुश्ताक वो बोलेंगे कि नहीं रफा ने ये बोल दिया। ढकेलने वाला जो आदमी काम करेगा ना, वो समझ जाओ तुम आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। हिजाम हाउस को हमको आगे लेके जाना है, यस और नो, लेके जाना है या नहीं लेके जाना है? Yes. तो फिर हम मुश्ताक से अगर हम कोई चीज में अगर आप आनाकानी कर रहे हो, आपको बोलने का हक है, सब लोगों को आपको बोल सकते हैं ये लोग। हाँ मुश्ताक सर जी जी, अगर सिस्टम में लग रहा है ये लोग आपकी कोई चीज डिलीवरी, तो आपको पीछे लग सकते हैं वो काम के लिए कराने के लिए, यस और नो, परमिशन है जी? परमिशन है ना, परमिशन है, मास परमिशन है, मैं इन लोग सामने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो चीज आना नहीं चाहिए कि अब्बा ने फिर मना कर दिया, अब्बा ने मना किया नहीं किया, लेकिन अपने को पीछे लग रहा है ये काम तो होना है, तो मतलब होना चाहिए, बराबर है? यस यस। तो अभी अपना प्लान किया सर, अभी तो ये हो रहा है कि कोई अटेंडेंस भी नहीं दिखा रहा है, कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं बता रहा है, डन वन चार दिखा रहा है, अब तीन चार ट्रेनिंग, ये सिस्टम को बंद करना है। अगले महीने जो अपनी डायरी दिखाएगा, अटेंडेंस दिखाएगा, काम दिखाएगा, उसको सैलरी मिलेगी। हाँ राइट, तो अभी से डायरी सब लोग ले लोगे, मास यहाँ पे सबकी डायरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ठीक है? सब सेंटर पे डायरी आ जाए, बमरा वगैरह सब जगह आ जाना चाहिए, ठीक है ना? पूरा सर, ये तो डायरी सब नहीं है। हाँ, जिसकी डायरी रहेगी उसको सैलरी मिलेगी? नहीं नहीं, जोगेश्वरी के जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जोगेश्वरी सेंटर में, वो डायरी लोगों ने लिया या नहीं लिया ये जिम्मेदारी मास की है, कल तक सबके पास डायरी आ जाना चाहिए। सर मैं कहता हूँ कि पूरा महीना डायरी नहीं लेने दो, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर डायरी दिखाएंगे, काम दिखाएंगे, तो महीने के एंड में सैलरी आएगी। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है? तो हमारा ये जो एटीट्यूड है इसको खत्म करना है। हाँ, तो डायरी सब लोग यूज करेंगे, डायरी सबके पास आ जाना चाहिए और डायरी हमको फॉलो करनी है, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले मेरे को पता तो नहीं मैं करने क्या जा रहा हूँ, राइट? तो अपने काम अपने हाथ में रहना। मुश्ताक भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदा अपनी डायरी खरीदेगा और अपनी डायरी के साथ अपना फोटो ग्रुप में पोस्ट करेगा। ओके ओके, और दूसरा एक चीज और ये भी करेंगे, जैसे मेरे क्लिनिक के अंदर जो है वो ये कुटला में इरशाद काम कर रहा है, तो इरशाद ने जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया उसका नाम नंबर लिखा रहेगा, वो भले अपनी जबान में लिखे और वो नाम और नंबर उसकी डायरी में भी लिखा रहेगा। क्योंकि हमारे पास वक्त होता है, हम शाम को बैठ करके अपना काम कर सकते,
कि इरशाद ने ट्रीटमेंट के दौरान में किसको हनी के लिए, किसको एलोवेरा के लिए, किसको फेस क्रीम के लिए जो है वो कन्विंस किया, तो ये मुझे पता चलेगा कि कौन कितना मेरा अपसेलिंग कर रहा है, कौन मेरा कितना डिमांडिंग मेरा जो मेरा स्टाफ है। बराबर है, क्लियर है, ठीक है ना सर? सही सही है, परफेक्ट। हाँ, तो अपना इससे क्या होगा, अपना रिपोर्टिंग भी आ जाएगा ना अपना, जब तुम फोटो निकाल के भेजोगे तो तुम्हारा काम भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिपोर्टिंग आ गया तुमने क्या क्या किया है, और डेली रिपोर्ट देना जरूरी है, हमने काम किया उसी के तो पैसे ले रहे हैं ना हम लोग, तो काम तो अपने को बताना पड़ेगा क्या हमने किया, खाली बैठने के और आने के तो पैसे ले नहीं रहे हम लोग, चाहे वो कोई भी हो, तो रिपोर्टिंग जरूरी है। और रिपोर्टिंग कल्चर में जब हम ये शुरू करेंगे, कल को जब नए लोग आएंगे तो वही तो हमको फॉलो करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो आगे कल्चर कैसे बनेगा, राइट? क्लियर है? यस सर। तो इन चीजों पे अपने को काम करना है, और हाँ, सैलरी जो है तुम्हारी, जो सैलरी पे जो काम कर रहे हो उस पे परसेंटेज पे लेकर आना पड़ेगा मुश्ताक सर आपको, जो जो भी बिजनेस अपने जिस सेंटर के जैसे 5 लाख से कम है तो मिनिमम 5 लाख सर, वो आवाज नहीं आ रही बराबर। 10 रुपए मंथली ओके सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, हेलो, अब ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, हाँ, अपने को इंसेंटिव कल्चर पे आना है, सैलरी कल्चर ब्रेक करना है, अपने को इंसेंटिव कल्चर पे आना है, और इंसेंटिव के लिए मुश्ताक सर परसेंटेज बता देंगे किस किस की क्या क्या परसेंटेज है। फिक्स सैलरी के चक्कर में हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, फिक्स सैलरी क्या होता है, हम पहले देखते हैं 30 तारीख को पगार मिलेगी, 1 तारीख को पगार मिलेगी, राइट? तो वहां से हमारी ना तो हमारी ग्रोथ होगी ना कंपनी की ग्रोथ होगी, और जब हम कमीशन पे आ जाते हैं तो हम फिर जितना काम करेंगे उतना पैसा निकाल सकते हैं, फिर हमारी सैलरी हमारे हाथ में है, जितना दम उतना धंधा कर सकते हैं हम लोग, बराबर है? और मेडिकल फील्ड में मेरे हिसाब से 10 लाख तो कुछ भी नहीं है धंधा करना, 10 लाख तो कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारे उठाओगे कंकड़ तो 105 उठाओगे तो 100 तुमको बीमार मिल जाएंगे। यहाँ पर हर आदमी किसी ना किसी बीमारी से गुजर रहा है, हमको सिर्फ उसके मैसेज पहुंचना है उस तक, ठीक है? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया ये करना है अपने को। दूसरा, हिजामा हाउस का अपना कल हमने व्हाइट हाउस में एक एक्टिविटी की हमने, वहां पर उनका फेसबुक पे पेज है और लोकेशन भी दिखाता है, तो व्हाइट हाउस में जब भी हम लोग जाएंगे, जो भी फर्नीचर हाउस में जाएंगे, तो क्लाइंट को मैंने बोला कि चेक इन करवाओ उनसे, चेक इन करके, चेक इन से क्या होगा, चेक इन व्हाइट हाउस करके, समझ में आ रहा है? आप किसी होटल में जाते हो, बोलते हो चेक इन सहारा स्टार, चेक इन JW मैरियट, चेक इन फन कदम्बा करके, राइट? तो उससे क्या होता है, जब मेरे फेसबुक पे जितने भी लोगों को दिखाया जाता है कि मैं JW मैरियट में हूँ, मैं दिल्ली पहुंच गया, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, चेक इन मुंबई एयरपोर्ट करके, तो जब मैं उसमें जाके खाली पोस्ट में चेक इन पे क्लिक करना है और चेक इन में सर्च करो हिजामा हाउस, अभी 6 बजे में चेक करते हैं कि नहीं, तो वो चेक इन कर दिया उसने, उससे क्या होगा, हिजामा हाउस वायरल होगा, लोगों तक पहुंचेगा, वो नाम लोगों तक पहुंचेगा हिजामा हाउस करके, उसमें इमेजेस तो रहेंगी अपनी। तो अगर सलमान खान के फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है या 1000 फ्रेंड है, तो उन 1000 लोगों तक मेरा नाम पहुंच जाएगा। अपने को ये देखना है, हिजामा हाउस जो है ना, आने वाले टाइम में कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहिए, और फेसबुक से हम लोग सोशल मीडिया से पहुंच सकते हैं, एक आदमी के कम से कम किसी के 1000 फ्रेंड लिस्ट होती है, किसी की 5000 होती है, ये है इस तरह के लोग, तो ऑटोमेटिक हमारा नाम पहुंचना शुरू हो जाएगा, जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे हम लोग, सही है? ठीक है, क्लियर है? दूसरा एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ, 100 डेज फेसबुक लाइव वीडियो चैलेंज कर सकते हैं हम लोग, हर आदमी जो भी सेंटर बैठा है, जिस सेंटर बैठा है, फेसबुक पे जाना है और लाइव बात करना है मेडिसिन के बारे में। मैं हिजामा हाउस से बात कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, आप आए और हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया मेडिसिन बनाई है, और ये मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, जो भी नाम बता दिया मैंने इसका, राइट, ये मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, एक झटके में नीचे आ जाएगा। मेरे पास ये है, आप जो ये लेते हो ना, सारी दवाई लेते हो, दवाई आपकी बॉडी बहुत इफेक्ट करती है, तो मैं बताती हूँ, हमारे जो रिसर्च टीम है, डॉक्टर मुश्ताक जी है, रिसर्च एक लिक्विड इसका क्या करना है, आपका प्रॉब्लम है ना, ये ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और आप करते क्या हो,
क्या करते हो आप लोग? दवा दवा कम से कम खाना है, क्योंकि वी आर ऑन अ मिशन, हम इतने लोगों की मेडिसिन पढ़ाना चाहते हैं। देखो दिखाई दे रहा है क्या लिखा है हमारा मिशन, दिखा रहे हो तरह से, ऐसे लाइव हर दिन किसी ना किसी टॉपिक पे जाके लाइव बात कर रहे हो, सही है। इससे क्या होगा, वीडियोस हमारे वायरल होंगे सारी जगह, घड़ी घड़ी हिजामा हाउस, नाम याद है ना, हिजामा हाउस। दवा के चक्कर में नहीं पड़ना, कॉल करना हिजामा हाउस, माय नंबर इज डाटा डाटा करके नंबर पर टाइप कर, बोल दिया आपने, राइट। कॉलिंग का कोई चार्ज नहीं है, पहले 10 लोगों को हम लोग फ्री कंसल्टिंग दे रहे हैं, कॉल टू एक्शन डाल दिया मैंने, कर सकते हैं हम लोग ये। जो आदमी मोबाइल खोले उसको हिजामा हाउस दिख रहा है, हिजामा हाउस दिख रहा है, हिजामा हाउस दिख रहा है, हो जाए पॉसिबल है, राइट। तो 100 डेज का चैलेंज लो, इस 100 डेज में हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी मार्केट में। और ये वीडियो को क्या करना है आपको, हर आदमी अपने फेसबुक पेज से 100 ग्रुप ज्वाइन कर लो। पूना से जाहिद भाई, पूना से है ना जाहिद भाई, पूना से कौन है अभी यहाँ पर? हाँ जी सर, पूना से मैं जाहिद। पूना के ग्रुप देखो, बिजनेस ग्रुप पूना, एनसीपी ग्रुप पूना, बीजेपी ग्रुप पूना, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो, 100 ग्रुप ज्वाइन करोगे जाहिद भाई, ठीक है। पेशेंट पूना से आ रहे हैं ना अपने पास, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपके पेज से जाकर आपके आईडी से पूना चिंचवड़ जो भी आसपास के जहां जहां से पेशेंट आते हैं वो सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो। एक ग्रुप में कम से कम आप वो ग्रुप ज्वाइन करो जिसमें 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोग हैं। 110 वाले ग्रुप मत ज्वाइन करो, बड़े ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लिया अपने पेज से अपने। अब जब वीडियो आप डालोगे अपना, उसके बाद आप वीडियो के नीचे शेयर का बटन देगा, शेयर का, शेयर पे क्लिक करना, उसमें दे रहेगा ग्रुप करके, तो ग्रुप सेलेक्ट करना, उन 100 ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर कर दो अपना, ठीक है। अभी आपके 100 ग्रुप मिला के आपके पास जो डेटा बन गया वो बन गया 1,00,000 लोग हो गए पूरे, सारे 100 ग्रुप के मिला के कम से कम 10 से 50,00,000 लोग हो गए उस ग्रुप में। तो वो जो वीडियो है उन 1,00,000 लोगों तक जाएगा आपका जी सर। हार्डली आपको मुश्किल से इसके लिए 10 मिनट लगेंगे, 7 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करो, 3 मिनट में वीडियो जाके शेयर कर दो आप जाके, 10 से 15 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन 10 से 15 मिनट के चक्कर में आपके जो फॉलोवर्स है ना, 50 दिन के अंदर बहुत बड़ा फॉलोवर बन जाएगा और लोग सामने चल के आएंगे यार ये क्या है, मैं दिखाता हूँ हम लोग करते कैसे हैं। फिर आपने कुछ दिखा दिया इस तरह से, मुश्ताक सर के बहुत सारे कुछ वीडियो है इस तरह के। तो पूना का आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मुमरा में जो बंदा बैठा है वो मुमरा के आसपास के जो भी ग्रुप्स है 100 ग्रुप ज्वाइन कर लो। जोगेश्वरी में ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुर्ला के आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, हर आदमी के पास 100 ग्रुप होना चाहिए और वीडियो हमारा इस तरह से वायरल जाएगा, राइट। सर एक सवाल बोलिए। सर ये जो एफबी पे ग्रुप ज्वाइन करना है वो हिजामा हाउस का पेज होगा ना? नहीं नहीं, पेज आपके हिजामा हाउस के पेज, हिजामा हाउस का पेज का तो आपको एक्सेस होगा नहीं शायद मेरे ख्याल से। हाँ वो नहीं है शायद मेरे पास तो नहीं है। तो हिजामा हाउस का पेज जो है, हिजामा हाउस का पेज रहने दो, हर आदमी को वायरल करो, हर आदमी वायरल करो चीजों को। अभी मैंने व्हाइट हाउस में किया, व्हाइट हाउस में बहुत सारे 30-35 एम्प्लॉइज है उनके, और जो सेल्स की जो टीम है, हर आदमी अपने आईडी से जाके शेयर कर रहा है। मैं वही पूछ रहा हूं, मतलब अपने पर्सनल जो आईडी है उससे कर सकते हैं? अपने पर्सनल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात तो आप हिजामा हाउस की करोगे ना आप। तो सेंटर जो है ना हिजामा हाउस, जरूर आना यहाँ पर, अपने यहाँ पे नाम लिखाओ, मतलब लिखा नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर, जी है ना, पूना में है, एक बार विजिट करना। तो आप और उसको वैल्यू क्रिएट करो। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, खाली जाके आप क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिमोनियल दिखा रहे हो आप जाके, हमने ये कर दिया, आप वैल्यू दो। जब फ्री में लोगों को वैल्यू देते हो ना तो लोग कनेक्ट होते हैं वैल्यू के चक्कर में। पहले आप देते हो ना, मतलब जमीन में आप पहले बीज डालते हो, ये नहीं बोलते पहले मेरे को फल दो फिर मैं बीज डालूंगा, बराबर है। आग को ये नहीं बोलते पहले मेरे को गर्मी दे फिर मैं आग लगाऊंगा, पहले करते हो फिर मिलता है आपको, पहले बीज डालोगे फिर आएगा। तो अभी क्या कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, फ्री में लोगों को ज्ञान दे, फ्री में लोगों को एजुकेट कर रहे हो। दवा नहीं खाना बहुत खतरनाक चीज है, खाली ब्लड प्रेशर में ये चार उंगली दबा लोगे ना, मैं दिखाता हूँ करके, ये करके दबा लिया आपने, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा जी सर। तो यहाँ पर आप 100 दिन तक लोगों को वैल्यू दोगे, और जब वैल्यू दोगे ना ऑटोमेटिक वो देख रहा है, ऊपर वाला अल्लाह देख रहा है आपको, वो आपको उसका फल देगा, रिटर्न देगा। यही लोग टकराएंगे और ये बोलेंगे यार ये एक्सपर्ट आदमी है, इससे मिलना पड़ेगा मेरे को, मेरे गुरु कौन है, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, ये मेरे गुरु से मैंने सीखा है। अभी आ रही है, हेलो। हाँ जी
हाँ तो मैं बोल रहा हूँ वहां पर मुश्ताक सर का फोटो लगा दो, यहाँ पर हिजाम हाउस का लगा दो, ताकि दिखाते रहो, जैसे श्री श्री रविशंकर को लोगों ने वायरल किया, मोदी को वायरल कर दिया लोगों ने, जैसे ओशो को वायरल कर दिया लोगों ने, समझ में आ रहा है जी सर। तो वैसा फेसबुक पे 100 डेज का चैलेंज लो, वैल्यू क्रिएट करो, लोग अपने आप आएंगे, हिजाम हाउस बताओ लोग आएंगे आपके क्लिप पे, धंधा तो अपने पास ही आएगा चल के, कर सकते हैं हम लोग ये सारी चीजें, कर सकते हैं। हाँ तो इन चीजों पे काम करो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो मुझसे, ये सेशन रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ कोई सवाल किसी का, अनम्यूट करके पूछो। सर एक सवाल और पूछ रहा है, पूछिए सर, वो जो परसेंटेज की बात है वो सैलरी से मतलब जो सैलरी फिक्स है वो रहेगी, उसके अलावा परसेंटेज होगा ना जो हमारा काम के हिसाब से? देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक दादर में कंपनी है, उसके वो मुश्ताक सर के साथ एक बार बैठ के बात करना, दादर में मैंने कंपनी में हमने काम चालू किया, वहां पर तो लॉकडाउन में काम बंद हो चुका था सारा, और बहुत कंपनी क्राइसिस में चल रही थी और लोग फिक्स सैलरी पे थे, तो मैंने उनको बताया कमीशन बेस पे आना पड़ेगा, तो लॉकडाउन में हमने जो चीज है वो बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग 60,000 70,000 50,000 ऐसे सैलरी ले रहे थे, कुछ 25,000 ले रहे थे, लेकिन कंपनी को देने जान पे आ रहा था, तो हमने क्या किया 3% देना शुरू किया उनको, 3% देंगे कमीशन तुम्हारे को जो भी धंधा आ रहा है। अब गारमेंट में एक आदमी 30-30 लाख का धंधा निकाल रहा है साल, मतलब सर आवाज फिर ब्रेक हो रही है, अभी आ रही है आवाज, हेलो हेलो आवाज आ रही है, हेलो आवाज क्लियर है अभी, ओके तो लॉकडाउन के टाइम पे उनको 3% दे रहे थे हम लोग, और सैलरी महीने की जो थी उनकी मतलब बैठ रहा था 35,000 सैलरी थी, 35,000 सर आवाज नहीं आ रही, हैंग हो गया है। बाद अभी जनवरी से 2% कर दी, क्योंकि 1% हमने इसलिए की क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं, होटल्स में जा रहे हैं और ओके। इसका जवाब मैं दे दूं सर? हेलो हाँ बोलिए मिस्टर भैया, और आ रही है भैया, बोलिए मिस्टर भैया जी। मैं क्या चाह रहा था कि जैसे अभी अपने स्टाफ है, स्टाफ का अलग अलग सैलरी पर है, ठीक है ना, अलग अलग सैलरी एक्सपीरियंस के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पर है, उसमें अभी हम लोग इस तरह से करेंगे कि सैलरी के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से हर एक का इंडिविजुअल टारगेट देंगे कि जो सैलरी है इसके अंदर तुमको इतना तुम्हारा ये मिनिमम तुम्हारा टारगेट है, ये अगर तुम टारगेट अचीव करते हो तो मतलब के वो ठीक, मतलब आप अपने करो, लेकिन अगर इसके टारगेट के ऊपर जब आप काम करते जाओगे और जितना आप अपसेलिंग करते जाओगे तो उसके हिसाब से आपको उतना कमीशन मिलता जाएगा, ठीक है ना जाहिद, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। अभी इरशाद की सैलरी 12,000 है, तो इरशाद का टारगेट उसके हिसाब से कम होगा, किसी की 14,000 है उसका टारगेट उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा कैसा है, हमारे पास काम के अंदर कपिंग के लिए तो लोग आते ही है, लोग हमारे पास दवाई के लिए नहीं आते, तो अभी हम लोग ने क्या किया कि दवाइयों के कंटेनर को अच्छा किया, खूबसूरत कर दिया ताकि हमारी दवा रिच लगे, लेकिन अब क्या हो गया कि लॉकडाउन के बाद में रेट दवाओं के बढ़ गए लेकिन हमने वही रखे, तो अभी हमको इसको थोड़ा अच्छा करना है, हमें कंटेनर को अच्छा करना है, हम लोगों ने लोग ऑलरेडी मसाज के ऊपर लाखों का बिजनेस कर रहे लेकिन हम लोग मसाज पे हफ्ते का 10,000 का भी बिजनेस नहीं कर रहे, तो अभी जो भी मसाज का बिजनेस बढ़ाएगा उसको कमीशन ज्यादा रहेगा, इस तरह से करें क्योंकि हमको नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में बात करना है, उसके लिए कन्विंस करना है और उसके लिए बिजनेस लाना है, और इसी तरीके से अब हम जो है अपने क्लिनिक के अंदर प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखो मैजिक का वाइब्रेटर बहुत बेच रहे थे, 800-900 रुपए का आता था, 1,500-2,000 का बेच रहे थे, तो रोजाना मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते रहते, तो हम उसको ऑर्डर करेंगे, उसकी थेरेपी करेंगे और उसको बेचने की कोशिश करेंगे और अच्छे रेट में बेचेंगे, और जब उसने थेरेपी किया उसको रिजल्ट आया तो वो खरीदेगा, तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को टारगेट लगाएंगे कि मुझे इतने हजार का एलोवेरा बेचना है, इतने हजार का कम से कम हनी बेचने का है, इतने हजार का मुझे जो मसाज का एक्स्ट्रा बिजनेस करना है ना, तो क्योंकि क्या होता है कि अभी हमारे पास काम है, लोगों के पास बीमारियां है और हम अल्लाह का शुक्र कर रहे, अच्छा हमारा दवाखाना प्रेजेंटेबल है,
हमारा सारा स्टाफ माशाल्लाह काम अच्छा कर रहा है, तजुर्बेकार है, लेकिन अब जो है हमें अपने आप को एक आगे बड़ा रोल प्ले करना है, क्योंकि जैसे जो है जो डॉक्टर इजवान साहब है, जैसे मुमरा में अंदर काम कर रहे, तो आज अगर वो काम कर रहे वहां पर, तो वो मुमरा क्लिनिक को एक अच्छे सर्टन टारगेट पे लेकर जाते हैं और उसके बाद में उसको एस्टेब्लिश कर दे, तो डॉक्टर इजवान को हम वाशिन एक और ब्रांच करके दे सकते हैं। जोगेश्वरी में अभी जैसे राजा अभी नया बंदा है, वो आज अगर ट्रेनिंग करता है, कल को अगर हमने बोरीवली में अगर ब्रांच किया, तो राजा अगर अच्छा काम करेगा तो हम उसको आगे ब्रांच के अंदर उसकी सैलरी बढ़ा करके रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से अभी हमें काम करना है। और हम लोग को देखो कभी कभी जैसे खाली चला जाता है, तो इससे समझ में आता है कि मेरे रहने से कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए हमको हर तरह से इसकी मेहनत करनी है। और अल्लाह का शुक्र है हिजामा हाउस की तरफ से रेगुलरली सदका खैरात वगैरह होता रहता है, दुआएं होते रहती है। तो अभी हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, रोजाना आधा घंटा एक घंटा अपने सब्जेक्ट्स के अंदर स्टडी करना है, पढ़ना है, और जो है वो अपने आप को दवाइयों के अंदर इम्प्रूव करना है कि किस बीमारी में हमारे पास दवाई नहीं है, जिसके अंदर हमको दवाई लानी है, तो उसके बारे में हमें बताना था कि हमें हर तरह से अपने क्लिनिक के एक्सपीरियंस को अच्छा करना है लोगों के लिए। इसलिए हमने कहा ना कि अभी हम जो है हर पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट के बाद में जैसे नूरीलियू पिला दिए, नहीं नूरीलियू है तो जो है रूह अफजा पिला दिए, लेकिन पिलाना है उसको, साथ में टिश्यू पेपर देना है उसको, नेक्स्ट डेट जरूर देना है, है ना। और सलमान सर का नंबर है, सलमान सर से भी आप लोग जो है पर्सनली बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, या जो भी ग्रीवेंसेज है, जो भी इश्यूज है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम हिजामा हाउस को हर तरह से आगे लेकर के जाए। परफेक्ट, सही है, तो क्लियर है यहां सारी चीजें जी सर। हाँ, तो इन चीजों पे अपने को इंप्लीमेंट करना है। और दूसरा अपना एक लाइव सेशन होगा 16 अप्रैल को, रमजान में आएगा, तो वो अटेंड जरूर करना सारे लोग। गोल सेटिंग पे हम लोग बात करेंगे, तो वहां पर बहुत सारा तुम्हारा पिक्चर मिल जाएगा कि कैसे अपना टारगेट सेट करना है, मतलब इनकम जो है ना अपनी कैसे अचीव करना है, जो आप बोल रहे हो ना। अभी मैं जब परसेंटेज पे आ जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा अगर मेरे को 10 लाख साल का चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो उसका प्लान क्या रहेगा। और वो प्लान हम लोग इंसेंटिव पे ही बना सकते हैं, सैलरी पे कभी नहीं बना सकते। दीपाली का बताता हूँ, मेरे पास जो लड़की काम कर रही 6,000 रुपए में आई थी, और उसने आज अपना गढ़चिरौली में प्लॉट खरीद लिया, वहां पर जगह खरीद ली उसने मेरे पास से काम करके। ये सैलरी कभी जिंदगी में नहीं कर पाती, ये सिर्फ इंसेंटिव की देन थी। समझ में आ रहा है जी? जी, तो वहां पर मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कैसे अपने ड्रीम डेस्टिनेशन कैसे अचीव करोगे। अब इसमें क्या होगा, हर आदमी जब इंसेंटिव आ गया ना, पार्टनरशिप पे आ गया, तो हर आदमी मालिक बन गया वहां पर ना, और कंपनी मालिक लोगों से आगे बढ़ेगी, नौकरों से नहीं बढ़ेगी। सैलरी मतलब नौकर बन गए हम लोग, इंसेंटिव मतलब सैलरी में फिक्स सैलरी है ना, बड़ा बड़ा कितना दोगे, तो फिर मैं मेरे लिए काम करता हूँ, फिर मैं मेरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। सही है ना मुश्ताक जी? हाँ, मेरे को हर एक को 1 लाख देना पड़ जाए तो मजबूत मजा आएगा। अभी सोचो ना, अभी मुश्ताक सर का टारगेट है कि आप सबका 1 लाख बन जाए, आप सबका घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, मुश्ताक सर अपने ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएंगे, राइट। तो अपने को लोगों, अभी आप लोगों पे खर्च कर रहे हैं ये सारी चीजें, मेरे को लेकर आए, आप लोगों के लिए लेकर आए, आप लोग आगे बढ़ोगे, इनका अपने आप बन जाएगा। तो ये एंगल से अपने को काम करना है इंशाल्लाह, ठीक है। कोई और सवाल है क्या, रखे हम लोग यहाँ पर? ठीक, कुछ बोलना है? नहीं सर, अभी हमें जो है ना खाली मैनेजमेंट को जो है ना, वो हमें बहुत सारी चीजें जो है ना हम लोग की तरफ से पीछे है, स्टाफ को तो जो बोलो वो करते हैं, तो हमें अभी इम्प्रूव करना है थोड़ा सा हमें थोड़ा ऑर्गेनाइज होना है, सिस्टम में लाना है। और दूसरा जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बना करके फिर मैं आपको भेज दूंगा सर, कि मैं बताऊंगा क्या क्या चीज है, जैसे प्रोडक्ट्स हमको क्या बढ़ाना है, हम ट्रेनिंग बेच सकते हैं, हिजामा हाउस की ट्रेनिंग बेच सकते हैं, हिजामा हाउस के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हिजामा हाउस की फ्रेंचाइजी बेच सकते हैं, हिजामा हाउस की ब्रांच बेच सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बराबर है, हाँ, तो ये सब हमें करना है। और हर क्लिनिक पे जो है हम हिजामा हाउस के कैंप करवा करके उधर से इंसेंटिव कमा सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं, अभी हम लोग नहीं कर रहे। बराबर है, तो आज की मीटिंग यूजफुल थी अपने रैद भाई जी? सर बहुत अच्छी, माशाल्लाह। अबू बकर जी, अल्ताफ जी,
तो मैं इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में, वो आप तक वो मिल जाएगी, आपके नंबर नहीं है मेरे पास, वो मिल जाएगी, उसको 5-6 बार एटलीस्ट 10 बार सुनना, तब जाके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे, इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? ठीक है, और जो सवाल है मुझसे पूछ लेना, मैं बता दिया करूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, क्लियर है। और मार्केटिंग सबको इंडिपेंडेंट करनी है अभी जो मैम ने डिसाइड किया है। जी जी जी, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।